डेरा इस्माइल खान से तकरीबन 80 किलोमीटर के फासले पर हम इस वक्त एक गांव के अंदर मौजूद हैं। इस गांव में चंद माह से पहले पानी पीने के लिए लोग जो जोहड़ में पानी इकट्ठा होता था उसी पानी को वो अपने पीने के लिए इस्तेमाल करते थे और उन्हीं जोहड़ के अंदर जानवर और इंसान दोनों ही इकट्ठे ही पानी पीते थे। फिर अहले खैर को ख्याल आया कि यहाँ पे भी लोगों का ये हक है कि उनको पानी साफ मिलना चाहिए। अलखिदमत फाउंडेशन ने इस मंसूबे को अपने लिए एक चैलेंज समझकर लिया और इतने दूर दराज इलाके के अंदर यहाँ पर एक बोर किया गया। अब बोर करने के बाद मसला हुआ कि यहाँ बिजली कहाँ से आएगी, तो उसके लिए फिर एक सोलर का सिस्टम लगाया गया। अब अल्हम्दुलिल्लाह इस गांव के अंदर जिसकी आबादी तकरीबन 2000 के करीब है, तो यहाँ पर इन लोगों के लिए एक सोलर सिस्टम लगाया गया, बोर किया गया, पंप लगाया गया और ये टैंक बनाया गया। अब ये पूरा गांव जो है वो इस सिस्टम से फ़ायदा उठा रहा है। अलखिदमत फाउंडेशन ने इन लोगों की ज़रूरत को जायज़ समझा और इस दूर दराज इलाके में उन्होंने ये मंसूबा दिया। जिस दिन से ये मंसूबा बना है और इससे लोग मुस्तफीद हो रहे हैं, लेकिन पीने के पानी का जो मसला था, जो इनके ऊपर एक टेंशन होती थी कि हर घर में एक बंदा सिर्फ पानी ढोने के लिए होता था, अलखिदमत फाउंडेशन ने यहाँ आके उन्होंने देखा और उन्होंने मुख्तलिफ मुखय्यर हजरात से राबता किया, तो उनकी मदद से ये मंसूबा अब मुकम्मल हो चुका है और इससे लोग मुस्तफीद हो रहे हैं।